हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सबको मेरी एंड मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और ये 1 तारीख का ब्लॉग है, बट ये जा रहा है 6 तारीख को, तो सो आई एम सॉरी गाइस। और यहाँ पे मामी, मम्मी और मम्मी की फ्रेंड और मेरी सिस्टर सब हम लोग जा रहे थे घूमने, पर ऑटो हमारा पंक्चर हो गया, धोखा दे दिया ऑटो। अब नहीं मिल रहा तुम लोगों को ऑटो। इतनी कड़ाके के सर्दी में हम बीच रोड पे खड़े हैं, हमें ऑटो नहीं मिला। सुनसान एरिया में छोड़ के चला गया ऑटो वाला। हमारा ऑटो पंचर हो गया। अब उधर से ऑटो पंचर सही करवा के वापस हम लोगों को लेने आएंगे, फिर हम जाएंगे। ओला में कितने जने आते? ओला में आ जाएंगे सारे। और कितने आ जाने आएंगे? मीटर का हिसाब दे ले ना, तो लोग बताओ। साइड हो जाओ ना, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रही। हंसना क्या हुआ? शारदा बेचारी हम लोग के साथ। सो फाइनली हम लोगों को ऑटो मिल गया। फ़ोन करके ऑटो वाले को बुलाना पड़ा, कोई जान पहचान के ऑटो वाले थे मम्मी के फ्रेंड के, तो उनको बुलाया। उन्होंने एक साथ ना तीन तीन लोगों को फ़ोन कर दिया। अब तीन एक पहले तो कोई भी नहीं आ रहे थे, फिर जब आए ना तो तीन तीन दो ऑटो आ गया। ऊपर से जो पहले वाला ऑटो जो पंक्चर हुआ था वो वाला भी आ गया उसी टाइम पे, फिर एक गाड़ी भी आ गई। अब हम सोच रहे हम जाएँ तो जाएँ किस में, क्योंकि हमने तो सबको इकट्ठा कर लिया, बुला लिया। तो इधर बस पहुंचने ही वाले हैं वाइट हाउस। और जो फरीदाबाद के लोग होंगे वो लोग तो जानते ही होंगे। तो मैं ना दिन में भी, मतलब 1 जनवरी के दिन मैं दिन में भी गई थी दिल्ली घूमने, और फिर वहाँ से जब घर लौट रही थी तो पता चला कि यहाँ घर वाले भी पूरी प्लानिंग के साथ तैयार हैं घूमने जाने के लिए। तो मैंने सोचा मैं क्यों ये मौका गवाऊँ यार, मैं तो फर्स्ट बार जा रही हूँ वाइट हाउस में, पहले कभी गई नहीं। बट मुझे अच्छा सा नहीं लगा, कुछ ऐसा कोई मज़े वाली बात नहीं है वाइट हाउस में। बस ये देखो पहुंचने ही वाले हैं, वो जो लाइटें जल रही हैं उधर की साइड में ही हैं। और इतना सुनसान एरिया है ना कि तुम 10 बजे के बाद कोई चल ही नहीं सकता उधर, 8 बजे तक, 10 बजे तक हाँ गाड़ियाँ चलती हैं, और इंसान पैदल तो 6 बजे ही चलना बंद कर देते हैं। तो ये देखो यही है वाइट हाउस, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस शॉप वगैरह है, मॉल वगैरह है, और कुछ ज़्यादा ऐसा घूमने वाला सिस्टम कुछ भी नहीं नज़र आया मुझे तो। कहाँ उधर बैंक नजर आ रहा है? बैंक क्या उधर? इतनी लाइन लाइन तो नहीं है। पैसा वाला आदमी को ज्यादा बैंक नजर आता है। फोटो खिंचा ले। किटू किटू इधर इधर देख के मम्मी को बोलो। पर लोगों की भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नहीं यार यहाँ है कुछ, और कुछ नहीं है। ये देखो क्रिसमस मनाया होगा इन लोगों ने, तो क्रिसमस ट्री लगा है। और ये झंडा का ना, झंडे का जो ये बना हुआ है ना शोपीस, इसकी एक बहुत ही अलग स्टोरी है। और देखो कहाँ खड़े हो के लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। हम लोगों ने भी एक क्रिसमस ट्री के पास खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाया था। अब मेरा बाबू रो रहा था एक स्पाइडर मैन के लिए, और इतना महंगा सामान मिल रहा था ना यहाँ कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे।
तो बस यहाँ पे ना एक्चुअली ऐसी दुकान है, KFC वगैरह है, बैंक है, मॉल टाइप में है, तो हम लोग ज़्यादा कुछ घूमने का कुछ भी नहीं है, बस ऐसी मॉल टाइप में दुकानें हैं महंगी महंगी, तो हम लोग बस ऐसे बाहर से घूम घूम के निकल गए। मुझे तो लगा वाइट हाउस नाम है तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा यार, बट मेरे ख्याल से कुछ नहीं है यहाँ, बस ऐसे घूमो। और मेरा बाबू देखो वो रो रहा है, कह रहा है मुझे स्पाइडर मैन चाहिए, बट बहुत महंगा था तो मैंने लिया नहीं। फिर उसे मैंने उधर जाके कुछ चीज़ खिला दी तो फिर वो चुप हो गया, और उसे हर जगह शरारत ही सूझती है। मम्मी इसको लेके नहीं, मैं तो जब दिन में घूमने गई थी तो मैं इसे लेके नहीं गई थी, मम्मी के पास छोड़ के गई थी, बट रात के टाइम मम्मी इसको लेके गई तो फिर मैं भी इनके साथ, इन सब के साथ गई थी। और मैं गई थी दिल्ली घूमने, फिर हम लोग जाने लगे घर, और कुछ मिला नहीं, ना कुछ खाने का ना कुछ घूमने का, बस आए और मुँह उठा के ऐसे चल दिए। फिर आए तो थे हम ऑटो से, फिर गए हम गाड़ी से, क्योंकि ऑटो में बहुत सर्दी लग रही थी। फिर आंटी है ना, उनकी जान पहचान की गाड़ी है तो उन्होंने गाड़ी मंगवाई, फिर हम लोग गाड़ी में गए। और सोचो इतने लोग हम गाड़ी में एडजस्ट नहीं हो पाए थे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बैठ के गए हैं हम, चार क्या छः जने तो हम पीछे बैठे थे, टू सीटर पर, मतलब दो सीटें पर हम छः लोग बैठे थे, नहीं तीन सीट है हाँ, पर हम छः लोग बैठे थे, मम्मी और मम्मी की फ्रेंड ये दोनों आगे बैठी थी। तो हम लोगों का 1 जनवरी तो अच्छा सा गया, पूरा घूमे ही घूमे, फिर हम लोग जा रहे थे घर। और यहाँ पे मैंने आवाज़ को म्यूट इसलिए रखा है क्योंकि गाड़ी में गाना चल रहा था ना तो कॉपीराइट आ जाता।